बिहार में बेरोजगारी का जो मुद्दा है बहुत बड़ा मुद्दा है। आपको बता दें कि बिहार में कई लोग बेरोजगार पड़े हैं, वो इसलिए क्योंकि जब तक बिहार में भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी, रिश्वतखोरी का माहौल रहेगा तब तक शायद लोगों को रोजगार नहीं मिल पाएगा। आपको बता दें कि लगातार आपने देखा होगा कि बिहार में कई छात्र छात्राएँ पढ़ लिख कर डिग्रियाँ लेकर घूम रहे हैं लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिल पाता है, यानी जॉब नहीं मिल पाती है, और इसको लेकर लगातार छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के पास जा रहे हैं, उसके पैरों पर गिर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी एक नहीं सुनती। क्योंकि नीचे से ऊपर तक जितने भी आलाधिकारी हैं सभी रिश्वतखोरी, कमीशन खोरी में मगन रहते हैं, जिसकी वजह से बेचारे डिग्री वाले बच्चे जो हैं अपने सर्टिफिकेट लेकर घूमते रहते हैं और रोजगार ढूंढते रहते हैं, फिर भी रोजगार नहीं मिलता। आप सोच रहे होंगे कि आज हम रोजगार की बात क्यों कर रहे हैं। बता दें कि आज हम इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं, और सबसे खास बात आपको बता दें कि आज शिक्षा पर हम बात करेंगे। बिहार में शिक्षा का स्तर कितना है आज उस पर भी हम चर्चा करेंगे। बता दें कि आप देख सकते हैं कि हमारे दाहिने साइड में समाजसेवी अमित बाबा मौजूद हैं, इनसे आज कुछ हम बातचीत करेंगे क्योंकि इनके द्वारा एक योजना धरातल पर लाई गई है जो कि शिक्षा से रिलेटिव है, शिक्षा से जुड़ी हुई है। बता दें कि ये लोग को अब रोजगार दे रहे हैं, यानी जॉब दे रहे हैं, घर बैठे हर बच्चे जो हैं 6 से 10 हज़ार रुपये मंथली कमा सकते हैं। करना कुछ नहीं है, लगभग 2 घंटे का समय देना है, कुछ बच्चों को पढ़ा देना है। लेकिन कुछ भी बात करने से पहले, सच्चाई जानने से पहले हम अपने नए दर्शकों को परिचय दे दूँ। नमस्कार, मैं तिन तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ टीवी सिवान। आपको बता दें कि यार न्यूज़ टीवी सिवान चैनल की जो टीम है पहुंची हुई है सिवान ज़िले के भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र के कौड़िया गांव में। आज हम जहां बैठे हैं ये कौड़िया गांव है, समाजसेवी अमित बाबा का घर है। आज उनके आवास पर आज हम बैठे हुए हैं और आज कुछ मुद्दे पर हम बात करेंगे। मुद्दा सिर्फ शिक्षा से जुड़ा हुआ है, रोजगार से जुड़ा हुआ है। तो आइए देना करते हैं, सीधे लेकर चलते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले अमित जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, आपके सभी चैनल में जो भी दर्शक भाई हैं, जो भी श्रोतागण देख रहे हैं, उनको तहे दिल से धन्यवाद। मेरी बातों को आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये एक ऐसा योजना है जिसे प्राइवेट सेक्टर पर आप NGO कहते हैं, और इस NGO का ऑपरेट दिल्ली से हो रहा है। बहुत साल 2009 में ये जो है रजिस्टर्ड हो चुका है, ISO रजिस्टर्ड है, जिसका नाम रखा गया है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण जन विकास योजना, जिसे आप यहाँ स्क्रीन पर दिखा सकते हैं। इस योजना को सिवान ज़िले में लाया गया है। इस योजना से दो विशेष बात, जैसे कि आपने रखा शिक्षा का, तो इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी जो है शिक्षा का है और दूसरा रोजगार का है। तो वार्ड लेवल पर हम लोग चाहते हैं कि बेरोजगारी दूर हो, इसके लिए ये योजना जो है ये NGO काम कर रही है, जिसमें प्राइवेट तौर पर आपको जुड़ना है। तो सबसे पहले वार्ड में एक व्यक्ति को ऐसा चुनाव करना है जो इन मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन या DL/AD का ट्रेनिंग करके बेरोजगार बैठा हुआ है, उसको ये योजना, एक इस योजना के तहत आपको एक फॉर्म अप्लाई करना है, 200 रुपया जिसका चार्ज है। अगर आप उसमें उत्तीर्ण होते हैं तो अपने घर पर अपने वार्ड के बच्चों को पढ़ाना है, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाना है, ताकि उन लोगों को आप शिक्षा दे सकें, ताकि जो भी बच्चे हैं मतलब घूम रहे हैं बिना पढ़े लिखे, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ेंगे तो शायद जरूर अच्छी पढ़ाई करेंगे। और राष्ट्रीय जन ग्रामीण विकास योजना आपको जो है फर्स्ट मंथ 3,000, सेकेंड मंथ 6,000 से आपको सैलरी देगी। अब एक वार्ड में एक टीचर बहाल हो गया, तो जैसे मेरा पंचायत कौड़िया है तो इसमें 17 वार्ड है, तो 17 इसमें टीचर बहाल होंगे, और इसमें एक SRO बहाल होंगे जो उस टीचर का मतलब जांच पड़ताल करेंगे। तो SRO की ऐसी है कहानी कि उनका भी ग्रेजुएशन लेवल तक या मैट्रिक या इंटरमीडिएट तक शिक्षा होना चाहिए, उनको भी है इंटरव्यू देना पड़ेगा, और उसमें ना कोई डोनेशन देना है, ना कोई घूस लग रहा है, और ना ही कोई आप पर दबाव। लेकिन प्राइवेट सेक्टर पर ये जो काम है ये आपको करना पड़ेगा, जो SRO है उनको 8 घंटा ड्यूटी करना पड़ेगा। देखिए, अगर कोई भी कंपनी काम करती है या किसी पोस्ट पर डालती है तो आप घर बैठे अगर आप काम करेंगे तो कंपनी डूब जाएगी। तो अगर इसमें लोग काम करते, पूरे सिवान जिला वासियों से विनम्र निवेदन है कि जो काम करना चाहे वही जुड़े, क्योंकि आप लोग तो मुद्दा उठा रहे हैं कि हमें रोजगार नहीं है, और ये बहुत अच्छी ऐसी मतलब NGO आई है अपने जिला में जो आप लोग को घर बैठे 6,000 रुपये का एक वार्ड में एक रोजगार दे रही है।
और दूसरी बात, उसके अलावा इसमें बल्ब ट्रेनिंग, सिलाई ट्रेनिंग, चिप्स बनाने का ट्रेनिंग, आपको अगरबत्ती बनाने का ट्रेनिंग, सॉस बनाने का ट्रेनिंग, बिंदी टेकली का ट्रेनिंग, ऐसे बहुत सारे जो है फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग भी दिया जा रहा है। तो आप इसके अलावा भी कमा सकते हैं। कॉल सेंटर का भी इसमें काम है, बहुत सारा ऐसा काम है, लेकिन करना चाहें तो इसी योजना पर मैं कुछ दिनों से लगा हुआ था, और ये पिछले मंथ जो है अपना सिवान में इसका ऑफिस डाला गया है, हरदिया मोड़ पर इसका ऑफिस है। आप सभी दर्शक भाई राष्ट्रीय ग्रामीण जन विकास योजना पे ऑनलाइन भी जाके अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मेरी कोई आवश्यकता नहीं है, मैं इस चैनल से न्यूज़ टीवी सिवान के माध्यम से बुलाने से केवल एक ही मकसद था बुलाने का, कि पूरे जिला वासियों के पास ये सूचना पहुँचे और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस रोज़गार में जुड़ें और बेरोजगारी को दूर करें। अच्छा, ये बताइए अमित जी कि जो भी लोग इसमें आना चाहते हैं कैसे आ सकते हैं और कितना पैसा लगेगा इसमें आने में, और कौन कौन से लोग कहाँ पे जॉब कर सकते हैं इसमें? फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप ऑनलाइन भी राष्ट्रीय ग्रामीण जन विकास योजना जो है ऑनलाइन भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सिवान ऑफिस आपको बता दिए, इसमें किसी प्रकार का कोई रिश्वत नहीं है, ये कैमरा के सामने मैं बोल रहा हूँ, किसी प्रकार का कोई रिश्वत नहीं है। और कोई अगर कहीं रिश्वत मांगता भी है तो आप मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, मैं अपना नंबर बता दूंगा, 79031244461, इस नंबर पर भी है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, कभी भी आपको कोई रिश्वत नहीं देना है। लेकिन आपको आपकी योग्यता कितनी है, क्योंकि फर्स्ट क्लास से लेकर सिक्स क्लास तक बच्चों को पढ़ाना है, तो आपकी तो योग्यता पहले जांच होगी ना कि आप पढ़ा सकते हैं नहीं पढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपको जो है कार्यभार दिया जा रहा है बच्चों को पढ़ाने का, आप ए फॉर जो है एलिफेंट बनाना है, एरोप्लेन बनाना है, ए फॉर बॉल पढ़ाने लगेंगे तो कैसे पता चलेगा। तो आपका पहले शैक्षिक जो है आपका वहां पर इंटरव्यू होगा, उसमें आप उत्तीर्ण होंगे तो आप उसको बहाल किया जाएगा। अब इसमें है एक वार्ड से 10 आदमी भी ज्वाइनिंग कर सकते हैं, 20 आदमी भी ज्वाइनिंग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, 200 रुपये का आपको फॉर्म अप्लाई करके परीक्षा देना पड़ेगा। यानी तो एक फॉर्म का 200 रुपये है, और लेकिन वार्ड में एक ही व्यक्ति चयनित होगा। हाँ, मान लीजिए कि आप एक वार्ड में एक टीचर बहाल करना है। अब देखिए, एक प्राइवेट सेक्टर से 6,000 रुपया अगर एक वार्ड में दिया जाता है तो मेरा 17 है 17 6 दिलोत्तर, 1,02,000 रुपया एक पंचायत का हो गया, एक एसआरओ का 10,000 से 15,000 रहेगा, यानी कि 1,15,000-20,000 रुपया जो है एक एनजीओ खर्च कर रही है एक पंचायत के ऊपर। तो पूरे जिले में समझिए ना 20 प्रखंड है, 20 प्रखंड में कम से कम अगर 17-17 पंचायत होंगे तो कितना हो गया। तो उस पर अगर सही से हम लोग काम करते हैं तो सबको हम लोग शिक्षित करेंगे। इसके अलावा रोजगार का भी बहुत सारा उसमें ऑप्शन है, जैसे कि मैंने बताया बॉल बनाना या फैक्ट्री डालना, आप ट्रेनिंग लेके जो है उसमें भी कमा सकते हैं। आपको जो है कंपनी बॉल बेचने के लिए भी पर बॉल में आपको परसेंटेज देगी, आप वो भी काम कर सकते हैं। अच्छा, हमारे दर्शकों को आप भरोसा कैसे दिला सकते हैं कि ये सक्सेस हो सकता है? अब देखिए, मैंने तो पहले ही बोला ना, किसी प्राइवेट कंपनी में अगर हम जॉब करते हैं, अगर वो राम भरोसे छोड़ देते हैं, जैसे सरकारी योजना है, सरकारी जो है नौकरी है, आप 5,000 पेमेंट दीजिए हम ड्यूटी नहीं करेंगे, सो तो सरकारी योजना है, क्यों निजीकरण का बात हो रहा है? इसीलिए ना हो रहा है कि आप सही से काम करेंगे। तो आपको अगर ड्यूटी दिया जाता है अपने पंचायत में, अगर कोई कंपनी आपको, कोई एनजीओ आपको अगर 15,000 तक पेमेंट दे रही है, तो आप 8 घंटा अपने पंचायत में नौकरी कीजिए ना, आप ड्यूटी कीजिए, जरूर ही सक्सेस होगा। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड है, अगर 100 आदमी डिफ्यूट कर दिए और 90 आदमी सोए हैं, 10 आदमी ड्यूटी कर रहे हैं, तो ऐसे ही एनजीओ फंस जाएगा। तो इसमें अहम भूमिका जो है हमारी और आप जैसे लोगों की है जो इसमें ज्वाइनिंग करेंगे, तो उनको पहले से सुचारू रूप से तय कर लेना है कि हमें जॉब करना है तो हम ज्वाइन करें, अदरवाइज नहीं करना है तो हम ज्वाइन नहीं करें। मैं मैट्रिक से इंटर ग्रेजुएशन जो भी लोग आ सकते हैं? हाँ, मैट्रिक के लेवल तक से स्टार्टिंग है, मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन डीएलएडी बीएड जो भी है आप इसमें आ सकते हैं। और से लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं? जेंट्स? हाँ, जेंट्स भी है, लेडीज भी है, महिला जो भी है, मतलब इसमें अप्लाई कर सकते हैं और आप जो है काम कर सकते हैं। ऐसे 2-3 महीने के बाद से हर एक पंचायत में कॉल सेंटर जैसा एक लड़की को भी बहाल करना है जो अपने घर बैठे एक कंप्यूटर से और उसको कॉल सेंटर जैसा बात करेगी, उसको 10,000 रुपये का महीना इस एनजीओ के माध्यम से मिलेगा। तो इतना बढ़िया तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बड़े पदाधिकारी या कोई नेता जो जीता हुआ है, या इस मुद्दे पर मैं नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन लोग रोजगार के बारे में सोचे। लेकिन इस से मुझे बस एक ही लगाव है कि हमारे ज़िले के लोग इस योजना में जुड़ें और काम करें। मेरा भगवानपुर प्रखंड हुआ, मैं भगवानपुर प्रखंड का शायद आने वाले समय में हेड बनूंगा, लेकिन मैं बिना हेड बने अभी समाज सेवा करने का कोशिश कर रहा हूँ।
कि ताकि सभी लोग जो है मेरे पंचायत में 20 पंचायत है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दे सकूँ और लोग अपने घर पर बैठे कमाएँ। फॉर्म अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है? फॉर्म अप्लाई करने का जैसा कि आप स्क्रीन पे दिखा सकते हैं, इसमें भी है ऑनलाइन जो है आप राष्ट्रीय ग्रामीण विकास योजना का साइट पे जाके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आप ऑफिस जो है ऑफिस में भी है जो आपको पेज पे फॉर्म मिलेगा, उसमें आप फॉर्म डिटेल भरिए और 200 रुपये जो अपना चार्ज दीजिए और आप अपने परीक्षा में बैठ सकते हैं। ज्वाइनिंग कब तक हो सकता? ज्वाइनिंग जैसे आपका परीक्षा होगा तो 2 दिन में आपका 1 दिन में रिजल्ट आ जाएगा और आपका ज्वाइनिंग उसी समय से स्टार्ट हो जाएगा। और आपको प्रत्येक दिन जो बच्चों को पढ़ाएंगे तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास योजना का एक बैनर रहेगा, उस बैनर के तले आपको विधिवत सुचारू रूप से आपको पढ़ाना है और समय देना है, तभी आपको जो है 6,000 रुपये का दूसरे मंथ से पेमेंट मिलेगा। आप जो पढ़ाना चाहते हो कहाँ पढ़ा सकते हैं? क्या अपने घर दरवाजे पे पढ़ाना है? कहीं नहीं जाना है। एक वार्ड में 50 से 100 घर होते हैं मैक्सिमम, तो 100 मान लीजिए जैसे आंगनबाड़ी है हर एक वार्ड में, तो आंगनबाड़ी पे सभी लोग जानते हैं कि कितने अच्छे से पढ़ाई होती है और नहीं होती है। ये प्राइवेट सेक्टर से पढ़ाने का मकसद एक ही है कि सभी लोग बढ़िया से शिक्षित हो सकें, इसलिए इस योजना पे मैं काफ़ी दिनों से काम कर रहा था और इस योजना को लाया गया है। और मैं कोशिश करूंगा और अपील भी करूंगा कि सभी लोग इसमें जल्द से जल्द ज्वाइन करें और अपने घर पे बैठे पॉकेट खर्च हो या घर खर्च हो आप कमाएं। चले बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि आज न्यू टीवी सिवान चैनल की जो टीम है वो सिवान ज़िले के भगवानपुर हाड़ थाना क्षेत्र के कौड़िया गाँव के समाजसेवी अमित बाबा के आवास पर मौजूद है और आज इनसे बातचीत हुई। बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। बता दें कि इनके द्वारा एक लोग के बीच रोज़गार लाया गया है, एक जॉब का वैकेंसी लाया गया है। बता दें कि शिक्षा से जुड़ा हुआ है। जो इसमें भाग लेना चाहते हैं वो आपको बता दें कि आप हमारे स्क्रीन पर वो फॉर्म दे सकते हैं। हम आपको फॉर्म दिखा रहे हैं कि कैसे, वही फॉर्म है जिसे अप्लाई करना है। आप इस फॉर्म को देख सकते हैं और लाइन बाई लाइन इसको ध्यान से पढ़कर फॉर्म अप्लाई कीजिए। 200 रुपये फीस है। 200 रुपये फीस भरने के बाद आप का कॉल आएगा, आप इसका एग्ज़ाम देंगे सिवान में। सिवान में एग्ज़ाम देने के बाद आपके पास फिर कॉल आएगा, 2 दिन के बाद आप ज्वाइनिंग कर लेंगे। ज्वाइनिंग करने के बाद पहला 3,000 पेमेंट आएगा, उसके बाद आपका सेकंड पेमेंट 6,000 आएगा। इसको लेकर आप अपने घर का खर्चा भी चला सकते हैं। तो ऐसी कुछ व्यवस्था जो है यहाँ पर देखने को मिली है। क्या ये आने वाले समय में सक्सेस हो पाती है या फिर जिस तरह से लगातार सरकार धोखाधड़ी के बीच लोगों को रख रही है, ऐसे अमित बाबा भी अपने पंचायत की जनता को धोखाधड़ी के बीच लाकर उन्हें गुमराह करना रहे हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बन रही हमारे भी अगर चैनल पर नहीं तो जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी को जोर दबाइएगा ताकि जब भी कोई ताज़ा खबर की अपडेट आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो नई ताज़ा खबरों की अपडेट पाने के लिए देखते रहिए न्यूज़ टीवी सिवान से। संवाददाता नितिन तिवारी की रिपोर्ट।